ब्रजभूषण सिंह को कोर्ट ने दो दिनों की अंतरिम जमानत दी। जानकारी आपको दें कि राउस रेवेन्यू कोर्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर की पेशी हुई। दोनों ने जमानत की अर्जी दाखिल की थी। ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से वकील राजीव मोहन पेश हुए। उन्होंने धाराओं का जिक्र किया और कहा कि जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है उनके अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती है। उसमें दिल्ली पुलिस की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया। वहीं सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि ये गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। महिला पहलवानों की शिकायत के मामले में ये पेशी हुई। अतुल श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, इस पूरे मामले के अंदर सरकारी वकील हैं। अतुल जी, आज कोर्ट के अंदर क्या हुआ है, कुछ अगर आप बता सकें। वो आज पेश हुए, पेश होने के बाद बेल एप्लीकेशन लगाई, उस बेल एप्लीकेशन सुनवाई के लिए परसों के लिए तारीख लगाई। बेल का किस आधार के ऊपर आपने अपोज किया, विरोध किया? आज तो बेल की सुनवाई ही परसों होगी, तो आज हमने कहा प्रमे फैसे हम अपोज करते हैं, तो जज साहब ने कहा ठीक है हम परसों आपको सुनेंगे। मैं हियरिंग में था, ऐसा लग रहा था कि ज्यादा पुलिस एम्फसाइज नहीं कर रही है कि बेल ना मिले। चार्जशीट का भी जिक्र होता है कि उसके अंदर भी आपने स्पेस दिया कि गिरफ्तारी ना हो, किन कारणों से नहीं हुई इसकी जिक्र किया। अभी ये कहना उचित नहीं, वो परसों की बात है। आपकी कितनी तैयारी है परसों के लिए कि बेल ना हो? अच्छा, निजी मुचलका भी कितना है? 25,000 रुपए। अच्छा, तैयारी है कि बेल नहीं होगी अगली सुनवाई? तो अभी कहने, ये तो जज साहब के ऊपर है, हम अपनी तैयारी करके जाएंगे। तो ये अतुल श्रीवास्तव थे जो सरकारी वकील थे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। इनकी दलीलों के आधार के ऊपर ही कोर्ट फैसला लेता है कि किसी आरोपी को जमानत अंतरिम मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अतुल श्रीवास्तव का ये कहना था कि जमानत के ऊपर सुनवाई ही नहीं हुई है, लिहाजा ये एक अहम मोड़ के ऊपर आता हुआ पूरा मामला गुरुवार की सुनवाई तक दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश द्विवेदी के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली।